हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, यह है सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। आज हमारे पास फिर से छोटू मोटू क्यूटू शिवटू पग्गू का बच्चू है, इसका नाम छोटू है। अरे छोटू कितना वजन है, क्या हुआ भैया 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 भैया। तो पग बेसिकली चाइना की ब्रीड है, मुझे पता है चाइना के नाम पे थोड़ा बहुत नफरत हो गया होगा आप लोग को कोरोना की वजह से, बट इससे नफरत नहीं कीजिएगा। ये पग ब्रीड है, ये ब्रीड वहाँ की है, ओरिजिन वहाँ की है। पैदा ये बनारस में हुए हैं, मम्मी भी इनकी बनारस में, पापा भी इनके बनारस में, और अभी ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जौनपुर में कहाँ जा रहे हैं? सिटी में जा रहे हैं, ओलनगंज। कहाँ? ओलनगंज जौनपुर सिटी में भाई साहब जा रहे हैं छोटू। अब छोटू का जो भी नया नाम हो, क्या है, इनको गोद में रहना बिल्कुल नहीं पसंद, बड़ा शरारती, बड़ा नटखट। अच्छा, पग के बारे में 3-4-5 बातें आपसे आज शेयर करना चाहूंगा। पग एक ऐसी ब्रीड है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़। पग ऐसी ब्रीड है जो बड़ी रफ एंड टफ होती है, दूसरे कुत्तों की तुलना में ये कम बीमार पड़ते हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बोल दीजिए या ड्रॉबैक मान लीजिए, इनकी आंखें देखेगा बाहर की ओर है। तो अगर आपके घर का बिस्तर, पलंग का निचला हिस्सा नुकीला है तो वहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये दौड़ते दौड़ते जाएगा, खेलते खेलते नाक में चोट लगा लेगा। सोफा अगर नीचे से नुकीला है, चोट लगा लेगा। घर में नुकीला जूता चप्पल नीचे रखा है, चोट लगा लेगा। पग पपी ले रहा है जमीन का या फिर अपने जो एरिया का क्षेत्रफल है ना, उसको खाली रखें, क्योंकि बड़े ये नौटंकी बाज होते हैं, बड़े नौटी होते हैं, बड़े शरारती होते हैं। इतना दौड़ेगा कि आपको पागल कर देगा, दिन भर आपके पीछे पीछे। वोडाफोन डॉग के नाम से आप पग को जानते हैं, हच वाला पपी के नाम से आप इसको जानते हैं, पग के नाम से इसको जानते हैं, कुछ लोग तो मुंह जरोना भी बोलते हैं जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के लोग, क्योंकि इसका मुंह आगे से ब्लैक होता है, फेस ब्लैक है, तो घरेलू भाषा में इसे मुंह जरोना डॉग भी बोला जाता है। तो बड़ी मज़ेदार बात है। हालांकि छोटू बड़े बढ़िया हैं, बड़े शरारती हैं, हमारे टॉय ब्रीड के बहुत फेमस ब्रीडर हैं बनारस के। अगर इनके पास आपको पोमेरियन लेना है इनसे मिलिए, कल्चर बॉम लेना इनसे मिलिए, पग लेना इनसे मिलिए। विकास भाई हैं, एकदम दिल के करीबी, दिल के खास, दिल के पास, ठीक है। टैटू बनवाना है तब भी इनसे मिलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया टैटू आर्टिस्ट हैं, पूरा नाम हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है भैया। आपका प्रचार कर दिया मैंने, ठीक है, दिल के करीब है इसलिए, ठीक है। सो ये पपी अभी 2 मंथ का है, हमने इसकी सेकेंड वैक्सीन तक कर रखी है। पपी डीपी लगा रखा है, रुक जाओ छोटू, मालूम है तुम्हें गोद में नहीं रहना है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, 7-in-1 लगा दिया है। अरे भैया वीडियो में पूरा आना पड़ेगा, क्या करें, तुम्हारा मन नहीं मालूम है, जाती हो रही तुम्हारे साथ, जाती हो रही है। पग देखिए चाइना की ब्रीड है बेसिकली, और ये टॉय ब्रीड में आते हैं, और सबसे अच्छी बात बीमार नहीं पड़ते, थोड़ा सा रफ एंड टफ है। आप एसी में भी रख सकते हैं, कूलर में भी रख सकते हैं, फैन में भी रख सकते हैं, क्योंकि स्मूथ कोट है, हेयर फॉल नहीं होता, जल्दी बीमार नहीं पड़ता, और छोटी ब्रीड होने के नाते 1,000 रुपये महीने में आप पाल लेंगे इसको, इतना कम मेंटेनेंस है, 30-35 रुपये एक दिन का खर्चा है। एक पैकेट पेडिग्री लीजिए, इतना सा खाएगा, इतना सा पॉटी करेगा, मस्त रहेगा, मज़ेदार ब्रीड है। और इसको आप दूध दे सकते हैं, सबसे अमेजिंग बात, क्यों दे सकते हैं, इसका लीवर मजबूत होता है, सब पचा लेता है, लौंडा मेरा सब पचाएगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा मूड में है, क्योंकि संडे है, संडे में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कम है, मैं भी रेडी नहीं हूँ, बस ऐसे मूड में हूँ, थका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, फार्म से आया हूँ बहुत लंबी ड्राइव के बाद। सो इसके हमारे पास 2 भाई 1 बहन है, 2 मेल 1 फीमेल और है हमारे पास। तो जो मेल की प्राइस है वो है 16,000 रुपये, फीमेल की जो प्राइस है वो है 14,000 रुपये। और ऐसा नहीं कि पग हमारे पास 16,000 और 14,000 में भी है, हमारे पास 10,000-11,000 से पग स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला पपी थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि क्वालिटी है, आप क्वालिटी जिनको पग जो पालते हैं। अरे यार तुम इत्मीनान से रहते क्यों नहीं हो, आप इसका रिंकल देखिए, आप सोचिए बचपन में इतना रिंकल है तो बड़े हो गए क्या होगा। इसके रिंकल पे कैमरामैन भाई साहब फोकस कीजिएगा, बहुत फेमस इसका फादर है, दैट इज ओरियो, ओरियो और परी, इसकी मदर का नाम है परी,
तो परी और ओरियो, ये आप जो पिक देख रहे हैं ये ओरियो की है, ये वाला पिक परी की है। तो ओरियो और परी की मैटिंग से ये छोटू हमारे पास हुए हैं, दो मेल एक फीमेल। नहीं अच्छा लग रहा तुमको? बोले भी नहीं हम, बोलेंगे हम, बोलेंगे 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 नहीं बोले तो बहुत मज़ेदार है, आप इसको रखिए, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तीन चार खास बात जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई हो पग पाल लीजिए, टाइम पास कर देगा। वाइफ मायके गई हो पग पाल लीजिए, टाइम पास कर देगा। बच्चे का सुख नहीं मिल रहा हो, ऊपर वाला करे सबको संतान सुख की प्राप्ति हो, पग पाल लीजिए। साला साल दो साल तीन साल तो भूल ही जाएंगे, अपना बच्चा मान लेंगे। दूसरा, ऋग्वेद के हिसाब से ग्रह नक्षत्र काल राहु केतु के दोष आप किसी भी डॉग को, सिर्फ पग की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी डॉग को अगर अपने घर की बनी रोटी देते हैं या अपने थाली की रोटी देते हैं तो ग्रह दोष ग्रह दशा आपकी सुधर जाती है। थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ तो कुरान शरीफ बाइबल ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद गरुड़ वेद के बारे में, पुराणों के बारे में अनुभव है, और एक ऐसी आध्यात्मिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अध्ययन किया है, कायदे से अध्ययन किया है। प्रचारक और मान्यता जो मेरी बाइबल पे है, मैं बाइबल का मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला व्यक्ति हूँ। क्यों ये बातें बताता हूँ, पग से रिलेटेड नहीं है, ताकि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाए। कोई भी मौलाना साहब हो, पंडित जी हो, एकदम आप जब चाहे तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, जो सवाल आपको करना हो मुझसे कर लीजिएगा। उम्मीद है आपका छोटा बच्चा, आपका छोटा भाई हर एक सवाल के जवाब देने में सक्षम होगा। तो हालांकि छोटू को अब हम अलविदा करेंगे, ये बहुत ही इमोशनल टाइम है क्योंकि विकास भैया के घर का पपी है। तो क्यों काट रहे बे, झप्पड़ झप्पड़ मारेंगे तुमको। छोटू को बिल्कुल मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है, इनको घूमना है, टहलना है, बाहर जाना है, ये बिल्कुल भी गोदी। अरे भैया 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 भैया, आई नो आपको लग रहा होगा मैं छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्या, मेरी शक्ल से तो आपको कोई फ़ायदा होना नहीं है, देखना आपको छोटू को है। तो छोटू को देखिए, छोटू की एक छोटी भी है और दो भाई और, अरे भाई हो गया हो गया, मेरे बच्चा 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 भैया भैया बच्चा भैया बच्चा भैया बच्चा। वैक्सीनेशन करके मिलेगा, वैक्सीन कार्ड आपको मिलेगा, डिवॉर्मिंग भी करके मिलेगा, और इतना बड़ा पपी आपको मार्केट में कहीं जल्दी बिल्कुल नहीं मिलता, 90% केसेस में बिल्कुल नहीं मिलता। छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े पपी मिलते हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर होते हैं, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तो केयर नहीं कर पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो डेथ कर जाते हैं। बट इतना बड़ा पपी लें, हम आपको रेडी करके देते हैं, रॉयल कैनिन पे खिला के देते हैं, भरपूर ये हमारा बच्चा दूध दही पनीर रॉयल कैनिन मल्टीविटामिन कैल्शियम और क्या क्या खाया है, पनीर वगैरह खाता है, अंडा वंडा खाता रहता है, एकदम तैयार है। तो हम अपने बच्चों पे प्रॉपर खर्च करते हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी, हम समय लगाते हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम प्यार देते हैं इनको। आप किसी की भी और यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको जो मेरे वीडियो से कनेक्शन मिलता होगा, जो मेरे इमोशनल अटैचमेंट से जो कनेक्शन मिलता होगा, जो छोटू को शायद मेरे से प्यार नहीं लग रहा है, आपको लेकिन मेरे अंदर से छोटू के लिए प्यार समझ में आ रहा होगा, वो किसी और वीडियो में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे रेड बटन दबा के, जी हाँ रेड बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक गूगल फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करते रहें, अपना प्यार देते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, गलत बातों के लिए भी हमें कमेंट करें, आपके नेगेटिव कमेंट्स हमें सीखने को मिलता है, पॉजिटिव कमेंट से हौसला मिलता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। वीडियो को यहीं विराम देते हुए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।